प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सार्थक बनाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के उपक्रम वापकोस और एनपीसीसी द्वारा दिल्ली स्थित यमुना घाटों की साफ सफाई का अभियान चलाया गया। अभियान की अगुवाई करते हुए मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार ने कहा कि नदियों को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने के लिए जन सहभागिता की जरूरत है। पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। ये नजारा है दिल्ली के आईटीओ के पास स्थित यमुना घाट की सफाई के महाअभियान का। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के उपक्रम वापकोस और एनपीसीसी द्वारा आयोजित इस सफाई अभियान को सार्थक बनाने के लिए मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार ने स्वयं अभियान की अगुवाई कर यमुना घाट पर साफ सफाई की। पूर्ण स्वच्छता की ओर बढ़ना है, एक जनरल क्लीनलीनेस ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए और ये सब के लिए हमें ग्राम पंचायतों का और लोगों का एक जन आंदोलन के रूप में, जैसे हमने स्वच्छ भारत 1.0 को सफल किया था, उसी प्रकार से जन सहयोग के द्वारा ही हम स्वच्छ भारत 2.0 को सफल करेंगे। वापकोस और एनपीसीसी के कर्मियों के साथ प्रबंध निदेशक आर के अग्रवाल ने भी सफाई अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। आर के अग्रवाल ने कहा कि घाटों की स्वच्छता का ये अभियान आज जन भागीदारी का मेगा अभियान बन चुका है। 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान को शुरुआत की थी, तब से वेबकॉस ने मंत्रालय के साथ बढ़ चढ़कर काम किया है और देश विदेशों में जहाँ भी हमारे ऑफिसेज हैं उनमें मिलकर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है। हमने दिल्ली में छठ घाट को अडॉप्ट किया है और यहाँ पर रेगुलर रूप से स्वच्छता करते हैं। गौरतलब है कि हर महीने वापकोस द्वारा यमुना नदी के घाटों की साफ सफाई की जाती है, जिसमें इस उपक्रम के सभी कार्मिक न केवल पूरे मनोभाव से इस सफाई अभियान को सफल बनाने का काम करते हैं, बल्कि भोपाल, उज्जैन, हरिद्वार, रांची और पंचकुला सहित देश के अलग अलग हिस्सों में घाटों की सफाई के लिए कार्य कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सच्चे मायनों में साकार करने का काम करते हैं। स्वच्छता में ईश्वर का वास है, महात्मा गांधी के ये अनमोल वचन आज भी हम सबको प्रेरणा देते रहते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जल शक्ति मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वापकोस द्वारा न केवल नदियों के घाटों की साफ सफाई का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, बल्कि अपने कार्मिकों को दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाने का संदेश देने के साथ साथ समाज और राष्ट्र के नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सुरेंद्रन के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।